लो मोनू जी, जो आपने धान के साथ साथ में जो आप बाड़ी लगाओ हो, तो बाड़ी के अंदर हम स्प्रे करते हैं, बहुत सारी दवाइयां छिड़कते हैं, फंगस का और आदि कीटनाशक जो भी दवाइयां या अदर ग्रोथ प्रमोटर हम छिड़कते हैं, और या हम सिंचाई करते हैं, तो कुछ समस्याएं बनी हुई है हमारी जमीन के अंदर कि पानी, हमारी जमीन पानी नहीं सोखती है, उसके अंदर पानी खड़ा हो जाता है, और साथ में हम जो दवाइयां छिड़कते हैं उससे हवा मुड़ जाती है या प्रॉपर उससे पौधे को नहीं मिल पाती, ये समस्या आ रही है मोनू जी अपने बाड़ी में। बाड़ी में यू है जी, ईव तो पहला यार कम से कम 1.5 महीने की हुई मतलब है इसके ईव तो अंदर पहला। ये देखो, ये ना जो रस चूसक जो कीट है ना, हाँ ये हाँ उसका प्रभाव है, जो हाँ एरातेला और सफेद मक्खी जो लगती है वो पौधे का ना हमारा इसके नीचे से रस चूस लेती है। रस चूसने के बाद और साथ में एक लीफ माइनर होती है, वो पौधे को बिल्कुल धीरे 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 खा जाती है, जिसका हमें दिखता नहीं कि भाई इसके अंदर नंगी आंखों से हम उसको नहीं देख सकते। तो हमारा पत्ता देखो ऐसे हो गया है, अगर ऐसा हमारा पत्ता हो जाता है तो ये प्रॉपर रूप से खाना ग्रहण नहीं कर पाता, ना इसको प्रकाश संश्लेषण की कैपेसिटी जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो इससे हमारे पौधे के अंदर है ना जो प्रॉपर रूप से जो ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ रुक जाती है। ये देखो चारों तरफ से मतलब पौधे के अंदर, ये देखो ये आप देख भी सकते हैं, व्हाइट फ्लाई का प्रकोप इसके ऊपर है। तो इससे पौधे के अंदर हमें, जैसे हम कोई भी स्प्रे करते हैं, दवाई छिड़कते हैं, तो उसका हमें रेन पावर का प्रयोग जरूर करना चाहिए। रेन पावर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जो भी हम दवाई डालते हैं एक एज इंजेक्शन की तरह कॉन्टेक्ट में आके इसके अंदर सिस्टमेटिक पौधे के अंदर चली जाती है। अगर इसके पौधे के अंदर चली जाएगी तो हमें उस रोग को कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी, नहीं तो वो जो दवाई हम डालते हैं स्प्रे करते हैं कीटों के लिए वो पौधे के ऊपर कम लगते हैं और उसके बाद वो हवा के संपर्क में से उड़ जाते हैं, ताकि पूरा पौधे के अंदर उसका असर नहीं हो पाता। यदि पौधे के अंदर इसका पूरा असर करना है तो आप हमारे रेन पावर का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ रेन पावर कैसे काम करता है। चलो दिखाओ। ये रेन पावर है, जैसे हम स्प्रे करते हैं तो पौधे के ऊपर स्प्रे करते हैं, तो जो बूंदे हैं स्प्रे की वो अलग अलग जगह पर रुक जाती हैं। जैसे ये स्प्रे पंप से करेंगे तो ये पौधे की बूंदे अलग अलग रुक जाएंगी, और ये बूंदे हैं जो पानी है इसके अंदर जो भी हमने ग्रोथ प्रमोटर मिला है या कोई भी दवाई मिलाई, तो ये प्रॉपर रूप से पौधे के अंदर नहीं जाएगी। तो उसको जाने के लिए जो रेन पावर है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। रेन पावर क्या काम करता है ये देखिए, यदि हम स्प्रे पंप जो लेते हैं 20 लीटर का, उसके अंदर हम 15 लीटर या 20 लीटर पानी डालते हैं, तो उसके अंदर आप इसको 5 ml का प्रयोग कर सकते हैं। मात्र 5 ml एक पंप के अंदर डालेंगे आप ये, तो 5 ml आपका ऐसा काम करेगा कि देखिए कि जहां पर भी हमने ये बूंदे डाली हैं, तो हम इसको देखते हैं अगर ये संपर्क में होगा तो ये देखो ये पूरे पत्ते पर फैल जाएगी। हाँ, फैल रहा है। ये देखो जी फैल रहा है, फैल रहा है। ये पूरे पत्ते पर फैल रहा है। ये देखिए यहाँ पर हमने पानी डाला था तो वो एक ही जगह पर खड़ा है। ये देखो इसके अंदर मिलाएंगे तो ये पूरे पत्ते के अंदर फैल गया है। जो इसकी जो नसें है ना, जो सेंसर जो रूट है इसके पौधे के अंदर, जो सेंसर करने का जो काम करते हैं इसके अंदर, तो उसके अंदर ये अंदर चला जाएगा। अगर इसके अंदर कोई चीज होगी पौधे के अंदर पूरी अंदर चली जाएगी सिस्टमेटिक, तो ये सबसे ज्यादा लंबे समय तक काम करेगी और हमें रिजल्ट सबसे ज्यादा मिलेगा। इससे हम पौधे की रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ा सकते हैं और कीटों का प्रभाव जो है उसको कम कर सकते हैं, और हमने जो दवाई डाली स्प्रे हम करते हैं उसका प्रयोग भी हमने कम करना पड़ेगा, यानी आधी दवाई से आपका काम चलेगा। ठीक है ठीक। और साथ में यदि हमें इस रेन पावर को हम हमारी जमीन के अंदर जो पानी नहीं सोखती है, उस जमीन के अंदर जो पानी खड़ा हो जाता है उसके अंदर भी 100 ml को यदि हम किसी मिट्टी में मिलाकर खेत में छिड़काव कर देंगे, तो हमारी जमीन के अंदर खड़ा जो पानी है वो पानी ड्रिच हो जाएगा, जमीन के अंदर पूरा अंदर चला जाएगा। और इसके साथ में यदि आप कोई भी यूरिया का, डीएपी का, पोटास का, एनपीके का छिड़काव यदि आप करते हैं, उसके अंदर भी यदि आप इसको मिला दोगे, तो वो खाद प्रॉपर रूप से हमारी जमीन के अंदर घुल जाएगा और घुली हुई चीज को पौधा आसानी से ग्रहण कर सकता है, उसको ग्रहण करने में आसानी होगी, और जो हमारी जमीन अंदर से कठोर हो गई है उसको नरम बनाने का भी ये काम करता है। ठीक है जी, ठीक है। लो जी।